चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंड करते ही भारत में होली और दिवाली एक साथ शुरू हो जाएगी, लेकिन इस पूरे माहौल में 50 साल पहले हुए ऐतिहासिक लम्हे पर सवाल उठने लगे हैं। एक बार फिर नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने को सच और झूठ की कसौटी पर परखा जाने लगा है। आज स्पेशल रिपोर्ट में हर थ्योरी की पड़ताल हम करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर चांद पर पहले कदम का सच क्या है। क्या 54 साल पहले चांद पर अमेरिका का पहला कदम एक भ्रम था? When they put the American flag in the moon, the flag started waving. But on the moon, there's no air in the atmosphere. क्या चांद पर लहराता ये झंडा अमेरिकी प्लान का हिस्सा था? अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला। क्या चांद पर अमेरिका का पहला कदम एक झूठ था? चांद पर पहले कदम का सच क्या है? जब भी मून मिशन का जिक्र होता है, बार बार ये सवाल जिंदा हो जाता है। जब भी चांद की तरफ कदम बढ़ाने की बात होती है, ये पूछा जाने लगता है कि क्या अमेरिका ने 50 साल पहले वाकई चांद पर कदम रखा भी था? जिस बात पर पूरा अमेरिका जश्न में डूब गया था, वो घटना वाकई हुई भी थी, इसे एक धड़ा मानने से ही इनकार कर देता है। उन दिनों अमेरिका वास्तव में सबसे पहले चंद्रमा पर जाना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की तकनीक नहीं थी। इसलिए इसके बजाय उन्होंने इसे एक फिल्म स्टूडियो में शूट किया और लोगों को बताया कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। कुछ तस्वीरों में छाया अलग अलग कोणों पर दिखाई देती है और ये साबित होता है कि चंद्रमा की सतह पर प्रकाश के कई स्रोत थे, जैसे कि एक फिल्म स्टूडियो में होता है। जुलाई 1969, ये तारीख चांद पर इंसान के पहला कदम रखने के तौर पर दर्ज है और वो नाम है एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग का। 54 साल पहले इस मिशन पर अमेरिका ने 2,00,000,000,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन ऐसी कई थ्योरी मौजूद हैं जो नासा के अपोलो 11 के मिशन को सिर्फ एक झूठ बताती है। There's some faking going on. When you go back and you watch the moon landing now, that looks so f***ing fake. And it's way more likely that there was more of that going on. अपोलो 11 को झूठा बताने वाली पहली थ्योरी। पूरी दुनिया चांद से आई इस ऐतिहासिक तस्वीर की गवाह बनी थी, जब अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज अमेरिकी झंडे को चांद पर लहरा रहे थे। नासा के अपोलो 11 मिशन को झूठा बताने वाले कहते हैं कि जब चांद पर हवा ही नहीं होती तो ये झंडा भला लहरा कैसे रहा था? अपोलो 11 को झूठा बताने वाली दूसरी थ्योरी। चांद पर इंसान के पहले कदम के तौर पर दुनिया इस तस्वीर को पहचानती है। ये वो तस्वीर है जिसका अमेरिका ने अपने गौरव और उपलब्धि के तौर पर पूरे विश्व के सामने ढिंढोरा पीटा था। लेकिन अपोलो 11 पर सवाल उठाने वाले पूछते हैं कि जब चांद पर नमी नहीं है तो भला उसकी जमीन पर ये निशान कैसे आए? अपोलो 11 को झूठा बताने वाली तीसरी थ्योरी।
नील आर्मस्ट्रांग जब अपने साथी बज के साथ चांद पर चहलकदमी कर रहे थे तो ये तस्वीरें खींची गई थी। इन तस्वीरों पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि ये कैसा आसमान है जहां तस्वीर में तारे ही दिखाई नहीं दे रहे। अपोलो 11 को झूठा बताने वाली चौथी थ्योरी। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन को झूठा बताने वाली चौथी थ्योरी के तौर पर इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एस्ट्रोनॉट की परछाई दिखाई दे रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब चांद पर कोई रोशनी नहीं होती तो अंतरिक्ष यात्रियों की परछाई कैसे दिखाई दे रही है। अपोलो 11 को झूठा बताने वाली पांचवी थ्योरी। पांचवी थ्योरी तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी जिसमें अमेरिका के अपोलो 11 मिशन को फिल्मी सीन बता दिया गया। दावा यह किया गया कि इस फिल्मी सीन को हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ने अमेरिका के एरिया 51 में फिल्माया था। आपको बता दें कि अमेरिका का एरिया 51 वो इलाका है जहां राष्ट्रपति के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। वहां क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन आज बात चांद पर पहले कदम की हो रही है और इन पांच थ्योरी में कितना दम है इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। चांद पर पहले कदम का सच। अमेरिका के मून लैंडिंग की कहानी की जड़ कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर यानी वो वक्त जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ दो खेमों में बट गई। सबसे पहले सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखानी शुरू की। 1957 में सोवियत पहला देश बना जब स्पुतनिक के साथ उसने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा। अमेरिका हैरान रह गया कि भला सोवियत उससे आगे कैसे निकल सकता है, और इसके बाद अमेरिका और सोवियत के बीच स्पेस में जाने की होड़ शुरू हो गई। और फिर साल 1961 में एक बार फिर सोवियत अंतरिक्ष की लड़ाई में अमेरिका से आगे निकल गया जब सोवियत के यूरी गागरिन अंतरिक्ष जाने वाले पहले शख्स बन जाते हैं। इसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी बेचैन हो जाते हैं और सोवियत से आगे निकलने की हर हद को पार करने को तैयार हो जाते हैं, और तब अमेरिका ऐलान करता है कि वो चांद पर इंसान को भेजेगा। For this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।